बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। सिंह राशि के जो जातक हैं, मार्च 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, मार्च 2024 में आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, आपके विवाह के योग मार्च के महीने में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जिसकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए, और जो आपका भाग्य का स्थान है कुंडली में वो आपका साथ देगा कि नहीं देगा, साथ ही साथ जो आपके कर्मेश हैं वो आपके कितने मजबूत हो रहे हैं, लाभ का प्रमाण आपका बढ़ेगा या घटेगा। मार्च के महीने में राहु महाराज जो आपके कुंडली में गलत भाव में बैठे हुए हैं वहाँ से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा या गलत मिलेगा। केतु महाराज आपके लिए क्या कुछ खास लेके आए हैं, क्या क्या नई चीज़ें होने वाली हैं मार्च के महीने में आपके लिए, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मार्च के महीने में आपके लिए क्या खास उपाय है ये भी बताऊंगा लास्ट में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, सिंह राशि के जो जातक हैं कुंडली का दूसरा भाव जो है वहां पे केतु महाराज जी विद्यमान हैं, साथ ही साथ जो कुंडली का चतुर्थ भाव है वहां पे चंद्रमा विराजमान है, और जो कुंडली का छठा भाव है वहां पे शुक्र और मंगल विराजमान है। कुंडली का जो सातवां भाव है वहां पे शनि सूर्य और बुध ये तीनों विराजमान हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव है जो आपके आयु का भाव है, जहाँ से आपकी मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, जहाँ से आपकी लंबी यात्राएं देखी जाती है, जहाँ से आप तीर्थ यात्रा पे जाओगे कि नहीं जाओगे, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, वहाँ पे राहु महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का जो भाग्य का स्थान है वहाँ पे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, तो ये आपके मार्च के महीने की कुंडली की ग्रह की दशा है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किस भाव में जो ग्रह बैठे हुए वो आपको क्या रिजल्ट देंगे। केतु महाराज कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, जब भी केतु महाराज गुरु के सानिध्य में आते हैं आपके लिए अच्छा परिणाम निश्चित ही लेके आएंगे। केतु महाराज यहाँ पर आपके भाग्य को जागृत करने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु की संपूर्ण दृष्टि केतु महाराज के ऊपर पड़ रही है। केतु महाराज यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं मार्च के महीने में। जो आपके मन में बार बार ये शंकाएं आ रही थी कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर, अपने परिवार को लेकर, जो आपके मन में अभी तक शंका सता रही थी कि मैं ये कार्य करूँ कि नहीं करूँ, वो गलत है ये सही है, आपके वजह से जो आपके परिवार में शंका का माहौल बना था, यहाँ पे केतु महाराज गुरु की दृष्टि में आके आपको थोड़ा सा मजबूत करने जा रहे हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा संभालना होगा, आपके मन में शंकाएं कहीं ना कहीं जो छिपी हुई हैं आप उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि केतु महाराज गुरु की दृष्टि में आ चुके हैं। चंद्रमा आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा है, तो शुरुआती तौर पे मन आपका चंचल रहेगा, बिजनेस व्यापार को छोड़ करके आप जमीन में बाग बगीचे में अपने आप को उलझा पाओगे शुरुआती तौर पे। कुंडली का जो छठा भाव है सबसे खतरनाक भाव बोला जाता है, शत्रु का भाव बोला जाता है, यहाँ से आपके दुख पीड़ा संताप ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं, मंगल महाराज यहाँ पर आपको अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन शुक्र महाराज आपके शादी में, विवाह में, दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न करेंगे। शुक्र महाराज यहाँ पे आपको गलत रिजल्ट देने जा रहे हैं, तो आपको शुक्र महाराज को आपकी कुंडली में मजबूत करना निश्चित हो गया है। यदि आप शुक्र महाराज को नहीं मजबूत करेंगे तो मार्च के महीने में आपका जो दाम्पत्य जीवन है उनकी वजह से थोड़ी समस्याएं हो सकती है, विवाह में आपको लेट लपेट हो सकता है, कोई ऐसी अड़चन आ सकती है जिसकी वजह से आपका विवाह डिले हो सकता है। मंगल महाराज आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे, ये पाप ग्रह में नहीं आते, तो यहाँ पर आपको मंगल महाराज थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके लिए मंगल शुभ है, लेकिन शुक्र महाराज यहाँ पे गलत हैं। कुंडली का जो सप्तम भाव है वहाँ पे सूर्य, बुध और शनि महाराज जी बैठे हुए हैं। सूर्य महाराज जब तक यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके दाम्पत्य जीवन में 15 मार्च तक तकलीफ तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन यहाँ से आपका व्यापार जो रहेगा, लाभ जो रहेगा, वो निश्चित ही बढ़ जाएगा। 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य महाराज वहाँ से मुंह करके आपके अष्टम भाव पे आ जाएंगे, तब वहाँ पर शनि महाराज उदय हो जाएंगे। शनि महाराज शुक्र महाराज के मित्र हैं, वहाँ के जो कारक हैं शुक्र महाराज हैं, तो यहाँ पर शनि और बुध दोनों आपको अच्छा रिजल्ट 15 मार्च के बाद देना प्रारंभ कर देंगे। राहु महाराज ये आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, 15 मार्च तक राहु आपके लिए गलत परिणाम देंगे।
15 मार्च तक राहु और शुक्र ये दोनों आपके लिए खतरनाक हैं। राहु आपको ऐसे रोग दे देगा जिसका इलाज शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। राहु को आपकी कुंडली में थोड़ा सा शांत करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको पेट में इन्फेक्शन वगैरह या आंतों में दर्द, ये सारी चीज़ें शरीर को लेके राहु आपको 15 मार्च तक दे सकता है, जब तक वहाँ पे सूर्य नहीं आते हैं। जैसे ही वहाँ पे सूर्य 15 मार्च तक आ जाएंगे, सूर्य के सानिध्य में राहु शांत हो जाएगा। गुरु महाराज ये आपके कुंडली के भाग्य के स्थान पे बैठे हैं। मार्च के महीने में यदि आप कुछ नया कार्य करने जा रहे हैं तो आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देने जा रहा है, क्योंकि कुंडली के जो कारक हैं नवम भाव के वो गुरु महाराज हैं, और गुरु महाराज स्वयं अपने क्षेत्र पे बैठे हुए हैं। तो गुरु महाराज यहाँ पे थोड़ा सा आपका भाग्य में चार चांद लगाने जा रहे हैं। तो कुंडली जो आपके मार्च के महीने की है, आपको शुक्र को शांत करने की ज़रूरत है और राहु को शांत करने की ज़रूरत है। तो शुक्र को और राहु को शांत करने के लिए क्या करें? शुक्र को शांत करने के लिए आप हर शुक्रवार के दिन यदि शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं या दही से उनका अभिषेक करते हैं या चावल चढ़ाते हैं, इससे जो आपके शुक्र महाराज हैं वो कुंडली में मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप राहु को शांत करने के लिए आप एक मोर पंख मंदिर में दान कर सकते हो, अपने घर में लाके मंदिर में रख सकते हो। ओम रंग राघवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। आप ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो, इससे भी शुक्र महाराज कुंडली में मजबूत और शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम, अपना समस्या और अपना जन्म तारीख लिख के आप हमें सेंड कर सकते हो। यदि आपका जन्म कुंडली नहीं है तो अपना नाम और अपना समस्या लिख के हमें आप सेंड कर दीजिएगा। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपके लिए क्या खास उपाय है वो बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो आपके बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।